हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ नुजहत। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, मजे में होंगे, और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घराना मस्त लगा पड़ा है। सो गाइस, आज अम्मी मुझसे बहुत नाराज थी, मैंने पप्पियां कर करके मनाया, पूछे नाराज क्यों थी, क्यों नाराज थी? कल मैं गई थी ना? हाँ, कल चली गई थी छोड़ के, मुझे सबको छोड़ के कल मैं अकेले चली गई थी। आप लोग जाए वो देखे मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या क्या किया, हाँ, वो सब जरूर, देखिए जरूर। और जब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर करें गाइस। तो गाइस, मैं जिमखाना पहुँच गई हूँ, आज मेरी दावत थी उम्रे की, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अम्मी साथ नहीं आई है, अम्मी साथ नहीं आई है, मैं अम्मी के बिना कहीं नहीं जाती हूँ। इन्वाइटेड तो थी अम्मी, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि अम्मी आप बच्चों को लेके घर पे रुकें और मैं जाती हूँ। तो मैं रेडी होकर बिल्कुल दुल्हन वाली वाइब्स आ रही है, लेकिन उम्रे की दावत है तो मैं आ गई हूँ, अंदर जाके आपसे फिर मिलते हैं। गाइस, आप लोग कमेंट्स में बताएं मैं कैसी लग रही हूँ, रेडी तो मैं अच्छा सा होकर आई हूँ, लेकर भी आई हूँ तबरुक दोस्तों के लिए। मुझे एक तो मिली गई है डायन, आगे चल के कंसर रास्ता कहाँ से? अच्छा, सो गाइस अब जाती हूँ और एक तो मुझे मिल गई है, बाकियों को भी देखती हूँ मिलती है या नहीं, लेट्स गो। तो गाइस, ये मेरा फुल लोकेशन था, प्लीज आप फुल दिखाइए, मेरा दुपट्टा भी दिखाइए और ये भी स्लीपर भी दिखाइए, समझो प्लीज। तो ये सूट मैंने पहले पहना हुआ है, लेकिन आज मैंने दोबारा पहना है क्योंकि मेरे उम्रे की दावत थी, आप लोगों को जैसा भी पता। तो गाइस, ये मेरा फुल लोकेशन था, प्लीज आप फुल दिखाइए, मेरा दुपट्टा भी दिखाइए और ये भी स्लीपर भी दिखाइए, समझो प्लीज। तो ये सूट मैंने पहले पहना हुआ है, लेकिन आज मैंने दोबारा पहना है क्योंकि मेरे उम्रे की दावत थी, आप लोगों को जैसा भी पता। गाइस, अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। कंसा, अंदर क्या बोलेंगे? फैमिली हॉल में? हाँ, नहीं, वो बोलेंगे हाँ, रेस्टोरेंट में? मैंने तो बोला कढ़ाई वढ़ाई भी मंगा लो, मगर जो होस्ट है उसकी मर्जी है, तो मैं अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेती हूँ जब तक, और इनसे थोड़ी गॉसिप करूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आज गाइस, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है, मैं लेंस लगा के आ गई हूँ लेकिन लेंस किट लाना भूल गई, और मेरी आंखों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। अब बस जैसे ही घर जाऊँगी फ़ौरन इसको उतारूँगी। बस गाइस, आप लोग बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, मेरी शादी हुई है। आप मेरे ब्लॉग नहीं देखती क्या? बच्चे भी हैं दो, माशाल्लाह। थैंक यू, सब मुझे यही कमेंट देते हैं। आज दावत मेरी है और पहले ये लोग खा पी रहे हैं, एंड में सबसे मेरे आगे आया है, आ गया है, थैंक यू। सबसे पहले हम लोगों ने ये मंगवाया है, तीन हॉट एंड सॉर है और एक जो है ये कॉर्न कर्न है, तो हमने कॉर्न मंगवाया है। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, मगर प्लीज़ गाइस, ये है हमारा कुछ और आ गया है, कटलेट है और फिश है, ये हमारी तरसी हुई आवाम, जल्दी जल्दी खाना खोलते हुए। रोटी खोल गई शफीक अहमद, शफीक डायलॉग है ना, अरे सब कैसे पिक्चर ले रहे, बिस्मिल्लाह पढ़ लो यार। ये प्लीज आप खाना दिखा दे सारा, और दावत दो, और दावत दो, खाना दिखा दे कंजा। गाइस, मेरी दावत थी माशाल्लाह उम्रे की, तो ये कंजा ने मुझे सिंगापुरियन राइस यार और कटलेट स्लैब ही है, एक मिनट अभी ना ब्लॉग बन रहा है यार प्लीज। सो गाइस, अब हम खाना शुरू करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ खाना खाने के बाद। बस कंजा तो दावत थी, और मेरी फ्रेंड मेरे लिए क्या शाजी ब्रो जेल है ना, आईब्रो जेल भी लेकर आई है एज अ गिफ्ट, थैंक यू सो मच शाजू। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, खाना तो फिनिश हो गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ड्रिंक की थोड़ी नीड थी आज, वो कितने का मेरा इनवाइटिंग है, और आप लोगों को पता है कि क्या मेरी लिपस्टिक भी हट गई है, इस मेरी आंख का हाल देखे क्या हो गया लेंस की वजह से, एक मैंने उतार दिया, एक से अभी पिक्चर निकलवाऊंगी, उसके बाद इसको भी उतार के रख दूंगी।
यहाँ पे हर कंट्री का आप देखें टाइम मेंशन है। मेरी दोस्त पागल हो गई है तस्वीरों के चक्कर में, जब से हम आए पिक्चर्स यार पागल हो गया, घर में नहीं लेते हो इतनी पिक्चर्स। भाई जहाँ मेरी गाड़ी आ रही है दोस्तें सारी मेरी चली गई हैं, सब चली गई हैं, बस अब मैं ही जाऊंगी, अंकल मेरी गाड़ी ले। सो गाइस यहाँ से तो अब हम निकल गए हैं, जैसा कि आपको पता है अंकल ने गाड़ी इतनी आगे कर दी है मेरी सीट, मुझे सीट आगे रखने की इतनी आदत ही नहीं है। ओ भाई अरे मैंने बहुत आगे कर ली है, थोड़ा सा करो अपने मुताबिक सीट को। अरे सो गाइस अब हम लोग दावत से निकल गए हैं, बहुत मजा आया। कंजा थैंक यू सो मच फॉर डिलीशियस दावत, थैंक यू। सो गाइस अब हम लोग, आप लोगों ने देख लिया मैंने ये सब किया, कल में कैसी लग रही थी आप लोग ये भी बताएं कमेंट्स में। और स्पेशल थैंक्स टू कंजा जिसने दावत दी, शाजिया और बीना जो मेरी दोस्तें हैं। अब अगली दावत अम्मी किसने दी आपको? शाजिया ने माशाल्लाह क्या बोला है शाजिया ने, आंटी और नेमल जरूर आएंगे वरना बायकॉट दावत। और दूसरी दावत किसने दी है? महविश ने। क्या बोला उसने, क्या बोला? सब आएंगे, सब अंकल भी इनवाइट है। अरे अब्बू, और जब दावत होगी ना अब्बू और अम्मी की लड़ाई हो जाएगी, जबरदस्त अब्बू को घर पे रहना पड़ेगा। खैर गाइस ये तो उनका प्यार है, और अरबीना ने भी रखी है दावत, सभी ने रखी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा नेमी को आपको पता था बुखार है अभी तक सही नहीं हुआ उसके लिए, और दिखाए नेमी, दिखाए अम्मी, एक तबरुक रह गया था वो देने के लिए, एक बेटी मेरी रह गई थी उसका देने जा रहे हैं। उधर हम जा रहे हैं, उधर जाके भी आपसे मिलते हैं। आप जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। हाँ, आप लोग जाएं जाके जल्दी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, प्यार दें बहुत सारा। और ये अम्मी को जो आज मैंने आईब्रो की है ये शाजिया ने कल मुझे दिया था, शाजू थैंक यू। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ अपनी गाड़ी निकालने के लिए, शीशा बहुत मैला हो रहा है, वो मिट्टी हो रही है सारी, ये मिट्टी थी। नेमी देखें क्या कर रही है, नेमी को देखें। गाइज अम्मी और नेमल तो चले गए, मोमल और मैं बैठे हुए, मानो और मैं, मेरी मानो और मैं बैठे। सो गाइज जहाँ हमें आना था हम लोग आ गए, दिखाएं अम्मी ये आ गए हैं हम इस तरफ, ये है मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ पे आए, हम आए हैं पारस ब्लश सलून पे। जी बिल्कुल, वो अम्मी की बेटी बनी हुई है, बहुत अच्छी हमारी वो फ्रेंड भी है और हमारा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। तो अभी हम तबरुक और केक लेके उनके पास आए क्योंकि ऐसे खाली हाथ आना, उन्होंने अपना पार्लर अभी बहुत अच्छा रेनोवेट करवाया, अभी अंदर जाके आपको दिखाती भी हूँ, बहुत अच्छा रेनोवेट करवाया तो हम उधर आ गए। सो गाइज हम लोग इनके सलून आ चुके हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने इतना प्यारा सलून बनाया है, बहुत प्यारा बनाया माशाल्लाह, पूरा इनका इतना अच्छा बना हुआ है, अंदर से भी बहुत प्यारा है। और यहाँ अम्मी बैठ गई हैं स्टाइलिश बन के, ये देखें कितना अच्छा इन्होंने बनाया। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए देखें, बच्चे तो मस्त हैं भाई, कॉलर में काम कराने आए देखें, बच्चे तो मस्त हैं। तो ये देखिए गाइस ये रहा पारस ब्लश, यहाँ पे हम आए थे जाके बैठ गई, पहले ही बिठा रही है मोमल को पीछे, इनसे बच्ची नहीं पकड़ी जा रही है, अब आके आगे अकेले बैठेंगी, अकेले बैठेंगे, कहाँ आ रही है अब ये दिखा रहे ना, दिखा दिया मैंने जाके बैठे गाड़ी में, सब दिखा दिया मैंने, बैठे जल्दी, अब नेमी को बिठाएंगी, सबको बिठा के एंड में खुद बैठेंगी। अब आ रही हैं बल्लू, आपको थोड़ी छोड़ के जाएंगे बल्लू, चाबी अम्मी, मजा आया पारस के पास? नहीं बिल्कुल दिल नहीं भरा। हाँ दिल नहीं भरा, हाँ ये तो बात है, पारस से दिल नहीं भरा ये बात है, प्यार बहुत देते प्यारा से हमारा, पारस से हमारा प्यार बहुत है माशाल्लाह। बस गाइस अब हम लोग निकल गए हैं, A few inches later, अब हम आ गए, अल्लाह का शुक्र है पारस को तबरुक दे दिया और पार्लर उसने बहुत प्यारा बनाया, दिल खुश हो गया देख के। नेक्स्ट आपको उनका पार्लर टूर कराएंगे। मुझे जिम खाना अकेले छोड़ के घर में गई थी, अब मुझे सारी लड़कियों ने बुलाया, अब मजा आ गया देखें, अब मैं आऊंगी। और ये मेरी नेमा मोमल है, ये देखें ऐसे बढ़िया, अब मैं जाऊंगी आऊंगी थोड़ी। बोलो हंस के दिखाए, हंस के दिखाए। बस अम्मी यही दुआ करती हैं, जो बे औलाद है उसे औलाद दे, जो बेरोजगार है उसे रोजगार दे, और जो बेशादीशुदा है उसे शादी दे, बेशादीशुदा उसे शादी दे, ये कौन सी लाइन हो गई, जो बगैर शादी वाला है और शादी मांग रहा है तो अल्लाह में उसको शादी मांगता कोई नहीं है अम्मी, एक जरूरत होती है शादी,
करनी चाहिए। एनीवेज गाइस ये बात पे लंबी हो जाएगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बात पे कभी और, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल कीजिएगा, हमारे लिए दुआ गो रहिएगा। हाँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।